अस्सलाम वालेकुम इस वीक के साथ ही तमाम दोस्त अल्लाह रब्बुल इज्जत हेलो ग्राम से खैरियत से तो आ चुके हैं नए व्लॉग के साथ। आई यार एक बैड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ क्या है कि आप लोगों को पता है शायद आप मेरी पहली वीडियो देखते हो आपको पता होगा कि मेरे पास एक मेरा बैड था बचा था शेरदिल, तो शेरदिल का इशू बन गया यार। कल को चुके थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, गिरे और उस बेचारे की ना टांग टूट गई और टांग टूटने की वजह से ना अभी बहुत ज़्यादा उसका इशू बन गया है। मैं भी आपको चल के दिखाता हूँ, सारी स्टोरी बयान करता हूँ। कल से दिल ही नहीं कर रहा सेटअप आने का, बिल्कुल बस फंस हुई पड़ी है। क्या बताएं, बहुत ज़्यादा प्यारा था मेरा और लाडला भी बहुत ज़्यादा था हमारा, सब घर वालों का स्पेशली हमारा, और छोटा सा था बाल पोस के बड़ा किया। अब ऑलमोस्ट उसकी एज एक साल से ज़्यादा थी, दो तीन माह एक साल से ज़्यादा थी उसकी एज। बट कहते ना कि जो चीज़ बंदे के नसीब में ना हो ना तो वो बंदे के हाथ से कैसे जाती उसका पता ही नहीं होता। मैं इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि शायद किसी बड़ी मुसीबत का अजाला होगा, किसी बड़ी मुसीबत से छुटकारा होगा, जो भी होगा उसने दिया था उसने लिया, मुझे उसका कोई गम नहीं है इंशाल्लाह। उसने पहले दिया था, अल्लाह पाक और देगा, इसे बढ़ के देगा इंशाल्लाह, मेरा ईमान है यकीन है, और मुझे इससे भी बेहतर मिलेगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या सीन है, चल के। तो ये रहा जी मेरा शेरदिल। शेरदिल अब कुछ ही टाइम का मेहमान है हमारे पास, इसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी है और बस क्या कर सकते हैं यार, जो चीज़ किस्मत में ना हो ना। अभी ये बिल्कुल बैठा रहता है, उड़ नहीं सकता। फ्रंट वाले मतलब दो टांगे तो थोड़ी बहुत काम करती हैं, लेकिन बैक वाला जो है ना इसका बहुत ज़्यादा इशू बन गया है। तो अभी ये ऐसे बेसुध होके पड़ा रहता है, ना इसका कोई हिलना जुलना ना कुछ, मतलब बहुत इसका ना बुरा हाल हो चुके बेचारे का ना। तो अब कुछ कह नहीं सकते, इसको तकलीफ़ में रखें। डॉक्टर भी यहाँ पे इतना कोई नहीं है, जितने डॉक्टर थे मेरे इलाके में मैंने सबको बुलाया, सबको दिखाया, उन्होंने मुझे एक ही बताया कि यार ये मेल है, इसने नहीं बचना, ऐसा कुछ भी कर लो, इसने बाद में भी ज़िबा होना है तो बेहतर है कि इसको तकलीफ़ ना दो। चलो एक फ़ीमेल होती है उसका ये होता है कि कुछ ना कुछ, तो इसका ये सीन है कि अभी यार बेचारे का बहुत ज़्यादा इशू है। इसकी ना टांग पीछे वाली दोनों टांगें मतलब काम करना छोड़ गई हैं, यहाँ से करके ना कोई इसका ना टूटी है टांग, बहुत ज़्यादा इशू बना पड़ा है। अभी ये है कि कभी ये थोड़ा सा ठीक होता है तो खा लेता है कुछ, वरना बेसुध होके पड़ा रहता है, और इससे इसका और ज़्यादा नुकसान हम कर रहे हैं, इसको तकलीफ़ दे रहे हैं। एक ज़िंदा जानवर है तो रब की रज़ा की खातिर हम इसको भी कुर्बान कर देंगे, इसको ज़िबा कर देंगे, और हल भी नहीं है तो मरन अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह पाक और देगा। तो हमारा शेर दिल हमसे जुदा हो रहा है भाई साहब, काफ़ी मुश्किल है लेकिन क्या करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। पिजन वगैरह भी मैंने बस खोल दिए, अभी मैंने कहा यार बेचारे ये तो अजाम में ना पड़े रहे, और बाकी तकरीबन ये सारे खुले हुए हैं, बस आज इसी की टेंशन की वजह से। हालांकि कल सुबह तक ये बिल्कुल ठीक था, शायद आपने मेरी पहली वीडियो में देखा तो ये कल सुबह तक बिल्कुल ठीक था, ऐसे टाइम इसका थोड़ा सा रोला बना है, उस चक्कर में ये गिरा है, और मतलब कह नहीं सकते यार कि मतलब पॉसिबल नहीं था। हालांकि पहले भी ये देखें ये उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उठ भी नहीं सकता, इसी पीछे वाली जैसे पैरालाइज हो जाती है ना चीज़ें, मेरा शहजादा। तो वो उसकी जो है ना पीछे वाली टांगें जवाब दे गई हैं बेचारे की, कोई नहीं है इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। देखें अभी उठने की कोशिश करते हैं, अभी यहाँ पे इन सबको पानी दाना वगैरह सब का हो गया है, सबको कर दिया है, जूस वगैरह माशाल्लाह से सारे ठीक है। बाकी अभी जो जो सीन था यहाँ कल हम मिलना, और पिजन भी आज मेल फीमेल अंदर को से हुए हैं, और हमारे माशाल्लाह से जाओ वाले पट्टे ये भी यहाँ पे बैठे हुए हैं पीछे उड़ के, फीमेल बाहर है, मेल मेरे ख्याल में अंदर बैठा हुआ है, मेरे ख्याल में सामने नज़र नहीं आ रहा अभी। बाकी भी ये वाले चूज़े भी माशाल्लाह से ठीक है, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, फ़िलहाल इस घड़ी कोई इशू नहीं है यहाँ का भी। बकरियों को भी मैंने घर वाले ही नहीं शैतूत से पत्ते वगैरह तोड़ के डाले हैं ताकि मैंने कहा ये खा लें, और कल इनकी वैक्सीनेशन हो गई है, बेचारों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, तभी ये खा रहे हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह।
ये अभी ठीक है बिल्कुल सारी की सारी, अल्लाह का खैर करे। बाकी ये है कि इनका चारा रह गया है बेचारे शेरदिल की वजह से, अभी वहाँ पर चल है। और यहाँ पे भी क्या सीन है, मैंने चाक चेक किया और यहाँ पे भी माशाल्लाह ठीक है, सब बच्चे बाहर आ गए उड़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब के सब ठीक है यहाँ पे भी। तो यार ये चीज़ें किस्मत में लगी रहती हैं, ये इंसान के साथ रहती हैं, ये चीज़ें जितनी भी होती हैं ना कुछ नहीं कह सकते। काफ़ी प्यार था, बहुत ज़्यादा प्यारा भी था, बहुत ज़्यादा उससे मोहब्बत भी थी, उसके साथ अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। हालांकि हमारे पास पहले भी एक था तो इसके साथ उससे भी ज़्यादा अटैचमेंट थी और मोहब्बत भी बहुत करते थे हम, इसमें लाडला भी हमारा था। तो बस उसकी वजह से ना थोड़ा सा वो दिल टूट चुका है। बहरहाल ये तो फिर ज़िंदगी के खेल हैं, इंसान चले जाते हैं, बहुत सारे इंसान के साथ और ऐसे हादसा हो जाते हैं, तो ये तो उसकी मतलब कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने जितना दिया था उसमें से उसने थोड़ा सा ले लिया, तो उससे तो कोई हमें हाज नहीं है। लेकिन यह है कि मोहब्बत थी ना जिस चीज़ से, उसका बंदे को दुख रहता है कि यार हाँ मुझे इस चीज़ से मोहब्बत थी, मेरी अटैचमेंट थी, तो वो थोड़ा सा एक रहता है। बहरहाल अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह पाक और देगा, मैं इंशाल्लाह और ले आऊँगा, चलता रहेगा इंशाल्लाह, निज़ाम ये चलते इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो बाकी हमारा पट्ठा भी अभी आ चुका है, ये आजकल काफ़ी ज़्यादा लोफरियाँ करने लग गया है, दूर निकल जाता है दूसरों के घरों में। अभी ये वापस आया तो इसका भी अभी मैं बंदोबस्त करूँगा, अभी मेरा दिल है इसे थोड़े से क्लोज कर दूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा निकलना स्टार्ट हो गए, कभी उनके घर जाके कभी वहाँ पे, तो इस तरह निकल जाते हैं, ऐसा ना हो किसी के घर जाए और पकड़ ले, तो इस वजह से थोड़ा डर लगा रहता है। बाकी इसका भी आज इंशाल्लाह कुछ करते हैं। चूज़े पता नहीं कि वो स्लो हो के बिल्कुल खड़े हो गए हैं, हालांकि फ्रेश हो थे, अब ठंड थी, या तो सुकून कर रहे हैं या कोई वैसे ना इनका साथ इशू है। अभी हम गए और शेरदिल के लिए चारा ले आए, हमने कहा कि चलो लास्ट टाइम है हमारे घर में इसका, तो चारा खा लें, चारा खिला लें। तो बाकी तो फिर किस्मत की बात होती है, शेरदिल मेरी जान यार, हमारे पास पहले भी काफ़ी बेड़े रहे हैं लेकिन किसी से इतनी हमारी अटैचमेंट नहीं थी जितनी इसके साथ थी। एक पहले था हमारा वो गब्बर, उसके वो तो माशाल्लाह बहुत बड़ा था, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, ये बड़ा फ्रेंडली भी था, कहता भी कुछ नहीं था, और बस चलो अभी इसको चारा खाने दे, डिस्टर्ब नहीं करते हम। अभी असर का टाइम है और यहाँ पे माशाल्लाह सारे परिंदे ठीक हैं, बट एक इशू बन गया था लवबर्ड का, लवबर्ड ने अपने एक बच्चे को उठा के ना बाहर फेंक दिया। अभी उसकी आँखें तो खुली हुई हैं लेकिन था छोटी बिल्कुल, अभी गोश्त का लौट रही है, तो उसने उसको बाहर ही फेंक दिया डालने वाले डब्बे में। तो फिर उसको उठा के मैंने अभी रख तो दिया था, इनके मैंने फ्रूट वगैरह भी डाला ताकि ये अपने बच्चों को ऐसा ना करें। अभी तक सामने तो नहीं है, अल्लाह करे ऐसा कोई सीन ना ही बने तो ठीक है। बाकी माशाल्लाह से यहाँ पे भी ठीक है, एक फिंचेस का बच्चा थोड़ा सा ढीला था लेकिन मेरे ख्याल में वैसे ही पड़ा हुआ था, अभी ऊपर उड़ के चला गया है, वो वैसे दाने वाले बर्तन में पड़ा था जैसे एक्सपायर हो गया हो, बट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही था, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। तो बाकी ये था कि शेरदिल हमारा चला गया है, काफ़ी अफसोस भी है उसका, बट उसके बाद दिल ही नहीं किया सेटअप जाने का, तो मैं जा के बस लेट गया था, अभी मैं आया हूँ, मैंने कहा चलो इन सबको जाके क्लोज कर देता हूँ, देखता हूँ। तो फिर आगे से ये सीन बनना पड़ा था, जल्दी से उठा के बच्चे को अंदर रखा कि ऐसा ना हो कि इशू हो गया, कोई ख़राब हो जाए या बेचारा एक्सपायर हो जाए, तो उसको उठा के अंदर रखें। बाकी इन सब का दाना वगैरह जो था वो भी सारा चेंज कर दिया है, और माशाल्लाह से चूज़ों को भी थोड़ा सी देर मैंने निकाला था 5 मिनट के लिए, फिर इनको भी क्लोज़ कर दिया है। तो एग वगैरह भी मेरे ख्याल में घर वालों ने उठा लिए, यहाँ पे सिर्फ 7 बच्चे पड़े हैं, मतलब 4 एग नहीं है, टोटल 11 थे, और अभी इन सबको भी क्लोज़ करना है, तो अभी टाइम हो गया इनका क्लोज़ होने का, इनको क्लोज़ करते हैं। और बाकी असील वाली मुर्गी को इंशाल्लाह हम अभी तक बैठी हुई है, उम्मीद है कल तक उसके भी कोई बच्चे वगैरह आ जाएंगे, तो क्योंकि मतलब उसका भी तकरीबन टाइम कंप्लीट है, ऑलमोस्ट करीब ही है बच्चे निकालने के, गर्मियों में 2-3 दिन मतलब पहले ही बच्चे निकल आते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसके भी बच्चे आ जाएंगे। मज़ीद यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ओके है, मेल फीमेल दोनों बाहर बैठे हुए हैं, अभी ये देखें
और इन छोटे चूजों को देखें, पता नहीं ये किस काम में लगे हुए नीचे बैठ के। ये देखें माशाल्लाह से। डायमंड क्या हुआ? डायमंड आजा, डायमंड को देखें, गुस्से में लग गया भाई साहब। डायमंड क्यों गुस्सा कर रहे हो हैं? डायमंड डायमंड इंशाल्लाह जल्द डायमंड के एग आ जाएंगे, फिर बच्चे निकलेंगे और फिर डायमंड बाप बन जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर डायमंड के छोटे छोटे बच्चे होंगे, हम उनको टेम करेंगे जिस तरह डायमंड हमारा टेम है। मुझे लगे अपनी फीमेल के पास। और ये भी मेल है आजकल, ये भी मस्ती करता है और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी करता है। मैंने इसको देखा है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई कर रहा था, मुर्गियों के साथ लड़ाई कर रहा था। मैंने कहा वाह भाई, ये भी बात ठीक है। तो बाकी यार आज की वीडियो यहीं तक थी, हमें दीजिए ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे लेकिन वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। फ़ीमान अल्लाह।